हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम पावर। मैं सुमित आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम सीबीएसई बोर्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे वो सारे वीडियो आईबीएससी बोर्ड के थे, तो इसलिए काफ़ी बच्चों ने बार बार कमेंट किए थे कि सर सीबीएसई पे बनाइए, सीबीएसई पे बनाइए। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा सीबीएसई बोर्ड का है और इसके अंदर अपन साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि साइंस के अंदर 2019 में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको पूछे जाएंगे। तो वही जो है सारा सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो उनके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैथ्स के तो मैं क्रैश कोर्स भी जो है चला रखा है सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों का, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आज के वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कह सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2019 में। सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आरबीएससी की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आरबीएससी का ऑलरेडी अपलोड किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट आरबीएससी का इस वीडियो को देख रहा है तो आप जो है आरबीएससी का अपलोड किया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आप बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इनमें कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको 2019 की एग्जाम में। साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेन एंड डेली लाइफ से रिलेटेड इससे पूछा जा सकता है या फिर इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, साइंस का इतना मैं नहीं कह सकता कि इतना ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँगा, लेकिन कहीं से हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए एक कंटेंट तैयार किया है जो आप तक मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको देखिए और आराम से शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर टू की। तो देखिए, चैप्टर नंबर टू क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट ये आपका चैप्टर नंबर टू है, जिसमें से ये टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर एडिंग वाटर टू एसिड इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, या केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस तरह से ये हमारे हो गए थे यूनिवर्सल के या केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये तीन चैप्टर की ही बात कर रहा हूँ, तीसरे नंबर के चैप्टर की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। अब वाटर ऑफ इसकी पूछी जा सकती है, पिकल्स वाइटिनिस ये पूछा जा सकता है, कैसे कैसे वर्ड हैं पता नहीं साइंस में भी। तो देखिए, अब चैप्टर नंबर थ्री आ चुका है। तो चैप्टर नंबर थ्री का नाम आप सबको पता है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज, मिनरल एंड ओरियाज, रेफरिंग ऑफ मेटल, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर फोर की ओर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मतलब ये चैप्टर हो गया, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पेपर और पेन के अंदर इनको नोट कर लीजिए कि ये मोस्ट टॉपिक हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हो गई, सोप एंड डिटर्जेंट हो गया, क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर फाइव की ओर। तो चैप्टर नंबर फाइव में आपसे ये पूछा जा सकता है, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल जो एक टेबल थी वो पूछी जा सकती है, या मॉडर्न पीरियडिक टेबल पूछी जा सकती है। इनमें से हो सकता है एक दो के मान पूछे जाएं या फिर पूरी टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिकल टेबल या मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चैप्टर नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर सिक्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में जो है स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप देखिए और नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हमारे सेवन नंबर के चैप्टर की ओर चलते हैं। सात नंबर के चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स आर्क, प्लेनेट हॉर्मोन्स, केसेस एंड टर्मिनेट ऑफ डायबिटीज़ इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे से इनको पढ़िए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएँ। तो
चलिए चैप्टर नंबर 8 की अगर बात की जाए तो हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस वेगेटिव प्रोपेगेट एंड बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर प्रोसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की ओर। 9 के चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएँ एग्जाम में। ये हो गया डाइक्रोस बींग ट्रेड्स ऑर्गन्स एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जल्दी से आपको जो है टॉपिक सारे में दिखा देता हूँ। पूरे चैप्टर की है साइंस की, जो भी आपकी बुक है, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। तो वीडियो को देखिए कंप्लीट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम बाय मिरर, मिरर फॉर्मूला, लॉज ऑफ रे डायगोनल लेंस, पावर ऑफ लेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हर साल होते हैं, इस बार भी होंगे, ठीक है। तो अच्छे से इनको तैयार कीजिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ठीक है। तो इसकी बात की जाए तो इस चैप्टर में से भी आपको जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाई डेंजर साइन आर मेड इन रेड कलर, कि रेड कलर जो होता है वो मतलब उसका साइन जो है वो रेड ही कलर का क्यों होता है, डेंजर भाई जो डेंजर वाला साइन लिखा हुआ होता है, कोई भी डेंजर चीज़ के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो उसका जो सिंबल होता है वो रेड ही कलर का क्यों होता है या क्या रीज़न है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज टैंडलिंग इफेक्ट, तो आप इन सब टॉपिक पे ध्यान दीजिए और आराम से इनको याद कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो देखिए चैप्टर नंबर 12 की अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे ओम लो मतलब ओम का नियम हो गया, ओम्स ला, एडविन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकता है एग्जाम में। तो आप अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको अच्छे एग्जाम में मार्क्स आएँ, बहुत बढ़िया। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को मत छोड़िए बिल्कुल भी आप, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स आएँ तो आप इनको ज़रूर तैयार कीजिए। अब देखिए चैप्टर नंबर 13 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये चैप्टर नंबर 13 का नाम है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है व्हाट इज सोलिनोइड, व्हाट इज सोलिनोइड, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आप इनको कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल, इनके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आप अच्छे से इनको प्रिपरेशन कीजिए इन सभी टॉपिक की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट यानी 14 के चैप्टर की, अगर हम बात की जाए 14 नंबर के चैप्टर की, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स के बारे में, तो क्वालिटीज ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोम्स, बायोगैस अलोंग विद एडवांटेज लेमिनेशन ऑफ सोलर एनर्जी, जियोथर्मल न्यूक्लियर एनर्जी, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब बात करते हैं 15 नंबर चैप्टर की यानी 15 नंबर का जो चैप्टर है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर का नाम अवर इन्वायरमेंट, ठीक है, अवर इन्वायरमेंट। तो इसमें से पहला जो फ्लो ऑफ एनर्जी, बी डब्ल्यू ट्रॉपिक लेवल्स, फॉर्मेशन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, डिस्पोजल को वेस्ट करने का, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बताया है। अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से सीबीएसई से हैं, एनसीईआरटी बुक है उनके, तो आप इनको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 16 की बात की जाए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें से सबसे जो पहला टॉपिक है वो 3 RS, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, चिपको आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डैम, ग्लोबल वार्मिंग, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे से बच्चों तैयारी कीजिए, सारी चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।